इस समय हमारे मुंबई क्राइम पेज ने जो कवरेज करने जा रहे हैं वो कवरेज एक लोकल एरिया जहां भांडुप करके मुलुंड, मुमरा, कलवा, ठाणे, इन तमाम जो स्लम एरिया में जो एक मध्यम परिवार जिसे हम कहते हैं, उन लोगों को आज हम हमारी मीडिया के सामने कवरेज कर रहे हैं। ये कवरेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने हक की जो मेहनत का पैसा, एक पदपेटी जिसका नाम है माउंट मेरी नागरिक सहकारी बैंक करके है। ये भांडुप में ही ये बैंक है और इनके संचालक हरुण शेख करके हमारी जानकारी में हमारी मीडिया को पता चला हुआ है। जिस तरह पूरे मुंबई के अंदर पीएमसी यानी पंजाब महाराष्ट्र बैंक का जो घोटाला चल ही रहा है, उस घोटाले के कुछ महीने पहले ये घोटाला चल रहा था, लेकिन उन्हें इतना टीआरपी नहीं मिला। इसलिए हमारी मीडिया ने इन जनताओं की आवाज को, हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कानों तले पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनकी मेहनत की जो पैसा है, पूरे के पूरे पैसे लेकर आज हारून शेख ने इनको जो अपने बैंक में जो डिपॉजिट के तौर पे डबल पैसा देने का जो वादा किया था, वो वादा से मुकर गए। ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? मैं भी लगा था 4.5 लाख रुपया रूम बेचे थे हमने मुंबई का, वहाँ का रूम बेच के हमने यहाँ पैसा डाले थे, इन्वेस्ट किए थे। आपने रूम मेरा बेच नहीं के था सारे पैसे आपने इस बैंक के अंदर डाल दिए थे? जी, यहाँ पे 4.5 लाख रुपया, लेकिन कुछ मिला नहीं वहाँ से। आपने क्या किए थे? मेरा भी 4 लाख रुपया है, मैंने भी 4 लाख रुपया डाली हुई, इन्वेस्ट की हूँ। मेरे बच्ची का था वो, मेरी बच्ची बीमार है इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। और आपने? मैंने अपने आदमी और अपने शहर को बिना बताए के मैंने पैसा बहुत मुश्किल से, मैं अपना अपने बच्चों का फीस स्कूल का, और मैंने ब्याज से पैसा उठाई हूँ, मैं बहुत लोन उठाई हूँ कि मेरा कुछ हो जाएगा। मैंने पैसा इसमें बहुत उम्मीद से लगाई थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हाथ नहीं आया इसमें। दर्शकों, आपको मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने घर से छुपकर आज मेरे सामने जो महिलाएं उनका भी यही कहानी है। मैं तमाम उन महिलाओं को ये आह्वान करना चाहता हूं हमारी मीडिया के माध्यम से कि अगर आपका हक का पैसा अगर हारून सिंह के पास है तो जरूर आपको मिलेगा। लेकिन आप ऐसा ना सोचिए कि वो पैसे नहीं मिलेगा। आज हमारी मीडिया आपको हर तरह से लीगल मदद करेंगे। आप बताइए आपका क्या हुआ? मैंने बाहर से लोन उठा के डाली थी, आपने कितना पैसा डाला वहाँ? 36,000 डाली। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करती सर मैं। आप बताइए आपने कितना पैसा डाला? मैंने 21 लाख रुपये डाल दिया। कितना डाला आपने? 21 लाख। आपने भी उसी बैंक में डाला? उसमें बैंक। और आपको कुछ कहना है? और मेरी बच्ची भी बीमार है, उसको अभी डॉक्टर ने एडमिट करने बोला है, और मैंने हारून के पास जो पैसा डाली थी वो पैसे से मुझे टेस्ट करना था बच्ची का। मैंने उसको बोल के बता के डाली थी कि मुझे टेस्ट के लिए चाहिए ये, मैं तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा। और अभी मेरे बच्ची का टेस्ट हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास मेरा पैसा अटका हुआ है। तो जनता, आपने देखा किस तरह इस बैंक वाले ने लोगों के हक के पैसे को हजम करके बैठे हुए हैं। साथ ही भांडू पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी इस केस के अंदर इस घटना को होने के लिए उतने ही कसूरवार है जितना कि हमारा सिस्टम। मैं कैमरामैन के साथ वीआर चौहान, मुंबई क्राइम पेज।